कैसे बनेगा हम बताएं। बीच में केवल दो यार के दो हार। एक ये रखिए। अरे ये मतलब भैया तो बहुत कम है तो लिमिटेड है। नीचे उसने ये नहीं पता कि कारपेट नहीं दे पाया बंदा, वो टेबल क्लॉथ को पिन अप करके करा है, वो भी समझा। ये ऐसे लगती है, कभी देखा आपने? ये टेबल हटा दो, समझाने के बाद। स्नैक्स कब चल रहा है वो सर बताओ। 8 o'clock से लाइक ऑन है, मतलब मैम आंटी 8 o'clock पे मैंने दे दिया। तो फ्लो बताओ ना इनको कैसा करना है। नहीं नहीं, 7:30 मैं शुरू करना चाहता हूँ। 7:30 कैसे टाइम का प्रेजेंटेशन तीन स्टॉप और उसके बाद फिर दोबारा से लेट पोस्ट हुई है एंड देन वी विल ऑल अबाउट बट पोस्ट पर आता पॉकेट अबाउट डिनर। डिनर का तो बहुत टाइम है, आप मेरे बाद घंटे पहले बता देंगे। दैट्स गोना बी माय ओके दिस नाइट स्नैक्स स्टार्ट रोल्स आर ठीक है। 7:30 बजे स्नैक चाहिए भाई मेरे को। यहां पर ऑटो भी ऑन करके आ लगा, पहले ऑटो भी ऑन करके पानी ऑन कर दे ठीक है। टिल 8:30 चलो चलो ठीक है, जल्दी आ गए। Gracias.
बैठ जाओ यार, बैठ के नहीं, कंपनी वाले बैठ के नहीं। भैया लो बगीचा ना लो नहीं वहाँ बगीचा जोरदार तालियां होनी चाहिए।
मैं इस प्रोग्राम को आगे ले जाते हुए सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे मैम के साथ साथ यहाँ पे हमारे यहाँ उपस्थित मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कम ऑन द स्टेज सो दैट वी कैन स्टार्ट द प्रोग्राम बाय हॉलिस्टिक। हमारे प्रधान साहब, एसोसिएशन के प्रधान साहब मिस्टर पंकज अरोरा साहब, प्लीज आए। हमारे बीच में हमारे एएमपी ग्रुप से हमारे कंट्री हेड मिस्टर सुनील आनंद जी हैं, एक बार सुनील आनंद जी के लिए जोरदार तालियां चाहिए, प्लीज कम सर। एंड लास्टली आई वुड लाइक टू आस्क मिस्टर वीर विक्रम जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। चेयर्स की मुझे कुछ कमी लग रही क्योंकि आने वाले अच्छे लोग तो बहुत सारे हैं। चेयरमैन साहब का नाम मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि हम सब मिलकर और लैंप लाइटिंग करके माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आप लोगों का आशीर्वाद चाहूंगा थ्रू आउट द सेशन और इसको एक अच्छा और इंटरेस्टिंग सेशन बनाएंगे और चर्चा इस मंच पे उपस्थित सभी लोगों को सम्मानित करना, जिसके लिए मैं मैम को सबसे पहले फेलिसिटेट करना चाहूंगा। तो नमित जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर नमित जी विल फेलिसिटेट मैम बाय गिविंग हर बुके और एक बार जोरदार तालियां देते हैं, जोरदार तालियां। मैं स्वयं मैम के लिए मैम को हमारी तरफ से मोमेंटो प्रदान करना चाहूंगा, तो हमारी पूरी टीम और खुद मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा मुझे 2 मिनट का विराम दे ताकि मैं मैम को अपनी तरफ से और पूरी टीम की तरफ से एक मोमेंटो प्रदान कर पाऊं। थैंक यू सो मच, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। एक बार जोरदार तालियां सभी लोगों को चाहिए। मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगा और चाहूंगा कि मैम हमारे बीच में आए हैं तो अपने विचार और दो शब्द हमारे बारे में रखें। हाँ, उससे पहले हम दीप प्रज्वलित करके सेशन की शुरुआत करेंगे। जैसा मैंने कहा था, उससे पहले मैं चाहूंगा कि मैम प्लीज आए और सभी लोग मंच पर उपस्थित सभी लोग हमारे चेयरमैन साहब प्लीज आप भी आए और हम सब मिलकर शुरू करते हैं। डिटेल्स देता हूँ जिसमें सबसे पहले जानने की बात है कि एएमपी, व्हाट इज एएमपी।
AMP Group is a leading group in the real estate situated in Gurgaon as our corporate office, and we are doing very good business out there. And now AMP is trying to explore the whole Haryana. और पूरे हरियाणा के अंदर में करनाल से अच्छी कोई जगह मुझे दिखती नहीं है सबसे पहले जो जहाँ पे मैं खुद खड़ा हूँ और हमें मौका मिला और धीरे धीरे हम और भी अच्छी जगहों पर हरियाणा के जाएंगे और टेरिटरी को एक्सप्लोर करते हैं ये देखना है कि हम वहाँ पे कैसे सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं जो एएमबी अच्छा काम कर रही है उसके अंदर हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं हमारे एक पहला प्रोजेक्ट है सेल्फी स्क्वायर जो जो सेक्टर 37 में है एंड अदर प्रोजेक्ट इज सेल्फी स्ट्रीट जिसकी डिटेल्स अभी हमारे वेरी क्वालिफाइड ट्रेनर मिस्टर सुनील आनंद विल प्रोवाइड एंड ऑल द डिटेल्स अबाउट द प्रोजेक्ट सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिलीवर आउटलाइन ऑफ एएमबी द फर्स्ट थिंग इन माय माइंड व्हेन आई से एएमबी द हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे एमडी साहब जिनके सपोर्ट से और जिनकी वजह से मैं ये प्रोग्राम आप लोगों के बीच में आके अपनी पूरी टीम के साथ उपस्थित होते हुए कर पा रहा हूँ और हमारे एमडी साहब श्री मनोज शेट्टी जी जिनके सहयोग से एएमबी ग्रुप एक लीडिंग ग्रुप बनके निकल रहा है और हमने अच्छे प्रोजेक्ट्स डिलीवर करने की कोशिश की है जिसके जिसपे हमने सबसे पहले शुरुआत की है सेल्फी स्क्वायर से जिसके बारे में अभी आप सेल्फी स्क्वायर से एंड देन सेल्फी स्ट्रीट हमारी कंपनी सेक्टर 44 गुड़गांव में सिचुएटेड है वहाँ पे हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है और हम आपके शहर अच्छे शहर करनाल में आके और आप लोगों के साथ मिलके अपने बिजनेस को आप लोगों के साथ आप लोगों के सहयोग से आगे बढ़ाने की कोशिश हमने यहाँ पे अपना ऑफिस भी ले लिया हुआ है आप लोगों को ये जान के खुशी होगी कि हमने यहाँ पे सेक्टर 12 में ही जो सेक्रेटेरिएट के सामने जो आपकी बैंक लेन है मैं अभी नया हूँ लेकिन धीरे धीरे आपके शहर में जाने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है कुछ भूल चूक हो जाए तो माफी चाहूंगा आप सभी से तो सेक्टर 12 में सेक्रेटेरिएट के सामने हमने ऑफिस किया है जिसकी डिटेल्स धीरे धीरे आप लोगों को शेयर कर दी जाएंगे सेशन के बीच में मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि हम किस तरह के प्रोजेक्ट्स डील करते हैं बेसिकली जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं तो आप सभी रियल एस्टेट से जुड़े हुए तो हम सब जानते हैं दो चीजें रेजिडेंशियल और कमर्शियल और हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं हम जो डील करते हैं वो करते हैं कमर्शियल्स कमर्शियल्स में जो हमने पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट किया वो था सेल्फी स्क्वायर जिसकी मैंने अभी चर्चा एंड देन सेल्फी स्ट्रीट हम आने वाले टाइम में और भी प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं जैसे कि हमारी जो एफएसआई है हमारे पास पहले से अवेलेबल है सो हम सेक्टर 88 के अंदर में भी हम एक प्रोजेक्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं तो प्रोजेक्ट्स की डिटेल पे चर्चा ना करते हुए मैं ये चर्चा करना चाहूंगा कि सबसे पहले हमारा बैकग्राउंड क्या था हम कौन है एएमबी We were before starting AMB, हमारे अदरडी श्री मनोज शेट्टी जी जो हमारे डायरेक्टर हैं और पूरी कंपनी के हेड ऑफ द कंपनी हैं और हमारी फैमिली के हेड हैं मैं कंपनी से के हेड से ज्यादा सर से यही सीखाऊँ कि AMB is a family and we are trying to expand our family by associating all good people like you. So पहले हम लैंड बैंकिंग में थे Mostly we used to do land banking initially. Then, and our major partners with the business is like DLF, Hansels, Space. ये हमारे चैनल्स, ये हमारे partners हैं, business partners हैं. धीरे-धीरे हमने देखा कि इस क्षेत्र में काम करते हुए हमें experience हुआ और हमें ये लगा कि शायद अब हमें काफी experience है और हमारे पास FSI land bank भी है. तो क्यों ना हम अपना project start करें और इसके ऊपर भी काम करना शुरू किया जिसके अंदर हमने कई तरह के रजिस्ट्रेशन होते हैं जैसा आप सभी जानते हैं आज की डेट में आप यहाँ पे मेरे बैकग्राउंड में बैनर पे भी देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आल्सो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने रियल स्टेट रेगुलेशन एक्ट इंप्लीमेंट कर दिया आई होप आप सभी लोग इससे परिचित होंगे रेरा से परिचित हैं आप सभी लोग एक बार जानना चाहूंगा आप लोगों से आप सभी परिचित हैं रेरा से बहुत अच्छा तो रेरा के आने के बाद हमारे